वेलकम फ्रेंड्स, सरकारी कर्मी दारुण सुखबर। बचर शुरूते ही एक लाफे अनेकटा वेतन बाढ़ते पारे, एक नामी संवादपत्रे मुहूर्ते खबर उठे एसेछे, आपनादेर संगे शेयर करब। तार आगे आपनादेर काछे अनुरोध, चैनल नतून होले अवश्य सबसक्राइब कर, नियमित आपडेट पे बेल आइकनटी प्रेस कर। देखो कि बला हे सेभेन्थ पे कमिशन बचर शुरूते ही बड़ उपहार पेते पारेन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। एक लाफे विपुल बदल होते पारे तादेर प्राथमिक वेतने अथवा बेसिक पे स्केले। विषयटी बर्तमान केंद्रीय सरकार विचाराधीन, से ही जगह थे सबूज संकेत पेले ही एक लाफे 18,000 থেকে 26,000 टाका होते पारे कर्मचारी वेतन। किंतु क्यों बाढ़ते पारे वेतन, शुना जा नतून बचरे ना कि केंद्रीय सरकार तरफ थेके बृद्धि करा होते पारे कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी वेतने एक बड़ अंश निर्भर करे थाके एई फिटमेंट फैक्टर ओपर। कर्मचारी जे प्राथमिक वेतन पाए से ही वेतन आसले दाड़िये थाके फिटमेंट फैक्टर ओपर। फिटमेंट फैक्टर बाढ़ले वेतन बृद्धि पाए अधिकांश संवाद माध्यमेर रिपोर्ट अनुयायी जाना जाच्छे। आगामी बछरे एई फिटमेंट फैक्टर बृद्धि करते पारे केंद्र। इतिमध्ये विषयटी निये आलोचना शुरू हो गिएछे। बर्तमाने विषयटी निये भावना चिंता करछे खोद नरेंद्र मोदी। तार तरफ थेके सबूज संकेत पेलेई एक लाफे बेड़े जेते पारे केंद्रीय कर्मचारीदेर वेतन। किंतु कत टाका बाढ़ते पारे वेतन, बर्तमाने कर्मचारीरा 18,000 টাকা न्यूनतम वेतन पेये थाकेन। फिटमेंट फैक्टर बाढ़ले से ही वेतन एक लाफे बेड़े 26,000 টাকা হবে। अर्थात मासे प्रति 8,000 টাকা করে বাড়তে পারে বেতন, বার্ষিক 72,000 টাকা। এমনিতেই এই বছরটা সরকারি কর্মচারীদের জন্য বেশ ভালো গিয়েছে, বেড়েছে ডিএ। কোভিড অতিমারির কারণে বকেয়া ডিএর 3টি কিস্তি এই বছরেই ক্লিয়ার করেছে কেন্দ্র। এছাড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জুলাই কিস্তি। আগামী বছরের একেবারে প্রথমেই জানুয়ারি কিস্তি ডিএ ক্লিয়ার করতে পারে সরকার। এমনকি আটকে থাকা ডিএ এরিয়ারও ছাড়তে পারে কেন্দ্র। প্রথমে ডিএ, তারপর এইচআরএ এবং তারপরে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর। জল্পনা যদি সত্যি হয় তবে সরকারি কর্মচারীদের খুশির আর শেষ থাকবে না। সুতরাং বন্ধুরা, দেখলেন এই নামী পত্রিকায় এই খবরটি উঠে এসেছে। দেখুন 26শে ডিসেম্বর আজই এই খবরটি উঠে এসেছে। যদি এই খবর সত্যি হয় তাহলে অবশ্যই সরকারি কর্মীদের জন্য দারুণ সুখবর হবে নতুন বছরে। ধন্যবাদ।